बामनीखेड़ा हसनपुर रेलवे ओवरब्रिज का कार्य कई सालों से बाधित पड़ा है। बामनीखेड़ा के स्थायी निवासी सतबीर उर्फ सोनू समाज सेवी ने बताया कि जहां से पुल की एंट्री होती है वहां पर हरियाणा सरकार ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि कार्य शुरू करने की तिथि 18 अप्रैल 2018 व कार्य समाप्त करने की तिथि 17 अक्टूबर 2019। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि अब 2021 चल रहा है। यदि ऐसे ही संभावना रही तो यह पुल 2025 के अंत तक बनकर तैयार होगा। हमारे गांव के ज़्यादातर खेत, मंदिर व शमशान घाट भी रेलवे लाइन पार करके हैं। यदि हमारे गांव से कोई इंसान मर भी जाता है तो उसका ईंधन, उपले व अन्य सामग्री ट्रैक्टर के माध्यम से मित्रौल कट से होते हुए बाया दिगौट की तरफ से लेकर जाना पड़ता है। वो रोड भी जर्जर हालात में पड़ा हुआ है और वहाँ के लोग उपले के ट्रैक्टर को ले जाने में एतराज़ करते हैं। आगे कई बार शिकायत देने के बावजूद भी पुल का कार्य जो क्या त्यों पड़ा हुआ है। झूठे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। इस पुल से कई गांव जुड़े हुए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: सैलोटी, नांगल ब्राह्मण, रायदास का, गुलावत, लाड़िया का, बेला, दिघौट, पिंगोड़, भूपगढ़, खाम्बी, लिखी व हसनपुर व अन्य गाँवों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों में पूरा रोष बना हुआ है। यदि काम चालू नहीं हुआ तो आने वाले कुछ ही समय में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। गांव के लोगों ने अपनी समस्या को बताया। उनके नाम इस प्रकार हैं: शंकरलाल मास्टर, राम कुमार पूर्व सरपंच, एलम चंद राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, पूरन लाल शर्मा पूर्व सरपंच बामनीखेड़ा, हर प्रसाद शर्मा, रोहतास शर्मा केवल टीवी नेटवर्क, राजेंद्र शर्मा, गोपाल टेलर, रमन लाल शर्मा व चिरंजी लाल कश्यप, त्रिलोक चंद मंगला शर्मा, मुकेश सिंह बंशल, दिनेश कुमार, सुनील गर्ग, अरुण कौशिक, विवेक गर्ग, दयाराम सिंगला, सूरज भान कोहली, हरीश कुमार व पवन कुमार ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सभी ग्रामीण सरकार व प्रशासन से अपील करते हैं कि इस पुल का कार्य जल्द से जल्द चालू कराया जाए ताकि हर किसी की परेशानी का समाधान हो सके। मेरा नाम गोपाल टेलर है। तो क्या समस्या है जी आपकी? हमारी समस्या ये है कि ये जो रेलवे का पुल है ये कम से कम लगभग 2 साल से बंद पड़ा है और इसे बंद होने के वजह से हमारे पूरे गांव के जो ये दुकानदार हैं ये काफ़ी जो है घाटे में चल रहे हैं। इनकी दुकानदारी बिल्कुल ठप पड़ी है। दूसरे इस पुल से जो लगे हुए गांव पड़ते हैं इधर हसनपुर की साइड में, उन सारे 50-60 जितने भी गांव पड़ते हैं सबका काम रुका पड़ा है। वो सारे परेशान हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये पुल जल्दी से जल्दी तैयार हो और इसकी जो बनने की जो तारीख होती है, निर्धारित समय होता है, उस समय से भी ये जो है ऊपर चला गया इसका समय। तो सरकार प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो है इस पुल का काम जो है जल्द से जल्द पूरा हो जिससे कि हमारे समस्याओं का हल हो सके। आगे आपने कोई शिकायत दी हो? आगे पहले भी एक दो बार शिकायत हुई है। उस टाइम मैं तो नहीं था लेकिन मैंने वीडियो देखी थी। इसकी ये शिकायत करने से भी कोई हल नहीं हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए तो और बहुत अच्छी बात है। मैं जी अपने परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम मास्टर एलम चंद है, जीवन रक्षा पदक विजेता। हमारी ये समस्या है कि यहाँ रेलवे ओवर ब्रिज है, इसका काम लगभग 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ग्राम निवासी बहुत परेशान है। हमारे शमशान घाट भी काम के परली साइड है, लाइन से परली पार उन्हें दिघौट होकर आना पड़ता है। जबकि इसका जो टाइम था वो बोर्ड लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं मीडिया वाले, उसकी म्याद पूरी हो चुकी है और 1.5-2 साल से बिल्कुल काम बंद पड़ा हुआ है। पहले कहते थे कि रेलवे लाइन के ऊपर जो तार जा रहे हैं वो हाई टेंशन वो हट जाएगी, उसके बाद में करेंगे, वो तार भी हट चुके हैं लेकिन अब भी कोई काम नहीं चल रहा। मेरी प्रशासन से अपील है कि गांव के और 10-20 गांवों को जो समस्या है उसको हल करने के लिए इसको जल्दी इसके ऊपर कदम उठाया जाए और इसका निर्माण कार्य सुचारू रूप से करवाए। आगे आपने कोई शिकायत दी हो? पहले भी मीडिया वालों को शिकायत की थी और अवगत कराया था लेकिन तालम टोल चल रही है, इसमें लापरवाही चल रही है। इससे गांव के लोग और 10-20 गांवों के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के किसान भी हैं, उनको भी दिघौट होकर जो है अनाज अपना खेती का सामान जो लेके आना पड़ता है और यदि गांव में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, उसके लिए उपले कंडे वगैरह लेकर दिघौट होकर वापस जाना पड़ता है। तो हमें बहुत भारी समस्या है। मेरी प्रशासन से अपील है कि इस काम को जी अपने परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम मास्टर एलम चंद है, जीवन रक्षा पदक विजेता। हमारी ये समस्या है कि यहाँ
रेलवे ओवर ब्रिज है, इसका काम लगभग 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ग्राम निवासी बहुत परेशान है। हमारे शमशान घाट भी काम के परली साइड है, लाइन से परली पार उन्हें दीघा ऑटो के आना पड़ता है। जबकि इसका जो टाइम था वो बोर्ड लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं मीडिया वाले, उसकी म्याद पूरी हो चुकी है और 1.5-2 साल से बिल्कुल काम बंद पड़ा हुआ है। पहले कहते थे कि रेलवे लाइन के ऊपर जो तार जा रहे हैं वो हाई टेंशन वो हट जाएगी, उसके बाद में करेंगे, वो तार भी हट चुके हैं, लेकिन अब भी कोई काम नहीं चल रहा। मेरी प्रशासन से अपील है कि गांव के और 10-20 गांवों को जो समस्या है उसको हल करने के लिए इसको जल्दी इसके ऊपर कदम उठाया जाए और इसका निर्माण कार्य सुचारू रूप से करवाए। आगे आपने कोई शिकायत दी हो? पहले भी मीडिया वालों को शिकायत की थी और अवगत कराया था, लेकिन तालम टोल चल रही है, इसमें लापरवाही चल रही है। इससे गांव के लोग और 10-20 गांवों के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के किसान भी हैं, उनको भी दीघा ऑटो के जो है अनाज अपना खेती का सामान जो लेके आना पड़ता है, और यदि गांव में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, उसके लिए उपले कंडे वगैरह लेकर दीघा ऑटो के वापस जाना पड़ता है। तो हमें बहुत भारी समस्या है। मेरी प्रशासन से अपील है कि इस काम को चालू। नाम है जी आपका? मेरा नाम जी शंकरलाल शर्मा, गांव बावनी खेड़ा। तो क्या समस्या है जी आपकी? समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ जो दीघोट रोड पे पुल का निर्माण हो रहा है, हसनपुर रोड पे, इतनी भारी किल्लत है कि लगभग 1 साल से ये बंद है। ये 18 में शुरू हुआ और इसको 19 में लगभग बन जाना था 20 के स्टार्टिंग तक, लेकिन कभी कोरोना का बहाना और अब कोरोना की जो समस्या वो दूर हो गई है और जगह भी काम निर्माण शुरू हो गए हैं, लेकिन इस इलाके के लोग बहुत भारी दुखी हैं। आगे कोई समस्या दी हो आपने, शिकायत दी हो? शिकायत पहले भी काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट कर ली सरकार से, भाई इसका काम जल्दी शुरू कराया जाए, क्योंकि इस गाँव के खेत सारे लाइन पार हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है, और यहाँ तक कि जो आसपास के गांवों के लोग हैं वो इतने दुखी हैं। मार्केट पर भी इतना असर है कि हमारे इस गांव की मार्केट में बाहर के गांव के लोग आते ही नहीं हैं। और क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, इस पुल का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए, और हम सरकार के सदैव सहयोगी रहे, इस गाँव ने सदैव सरकार की मदद की है, लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि सरकार को शायद हमारे इस इलाके का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो बार बार आग्रह है सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि इस पुल का कार्य जल्दी से जल्दी कराएं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सतवीर और सोनू समाज सेवी बामनी खेड़ा है। किस समस्या को लेकर खड़े हुए हैं यहाँ पर आज? समस्या हमारे बामनी खेड़ा हसनपुर रेलवे ओवर ब्रिज की है, जो काफ़ी साल से इसका कार्य बाधित पड़ा है। जहाँ पुल की एंट्री होती है वहाँ पर हरियाणा सरकार ने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कार्य शुरू करने की तिथि 18/4/2018 और कार्य समाप्त करने की तिथि है 17/10/2019। कहने का मतलब है कि 1.5 साल के समथिंग ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 2021 चल चुकी है, कार्य 2 साल से पेंडिंग है। मेरी सरकार व प्रशासन से अपील है कि इसका पुल का कार्य जल्द से जल्द चालू किया जाए। अपने परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम है किशनचंद पटवारी, बामनी खेड़ा। तो क्या समस्या आपकी? समस्या ये है जी रेलवे ओवर ब्रिज की, इससे इतनी परेशानी हो रही है कि शमशान घाट के ऊपर भी दीघोट पर लाने पड़ रहे हैं, खेत हमारे उधर हैं, फसल जो हमको 500 रुपये लगते थे आज हमें 1,500 रुपये देने पड़ रहे हैं किराए के, फसल लानी भारी हो रही है, बच्चे खेत पर नहीं जा सकते, औरत खेत पर नहीं जा सकती, हमें इतनी भारी परेशानी, पशु पालने भारी हो रहे हैं, ज्वार नहीं ला सकते। कितने सालों से पेंडिंग पड़ा है ये कार्य? ये पेंडिंग पड़ा है जी 2-3 साल से, इसका बाधित ही है, 2 साल से बाधित है इसका कार्य। और सरकार प्रशासन से क्या अपील? सरकार प्रशासन से यही अपील करते हैं इसको जल्द से जल्द निर्माण शुरू कार्य किया जाए इसका, और पब्लिक की परेशानी को देखते हुए इसको जल्दी से जल्दी काम किया जाए। हमें जी आपका? मुल्की राम। क्या समस्या है जी आपकी? समस्या ये है जी पुल की वजह से हमें जो है कि बहुत दूर से अपने पशु भी पालने भारी पड़ रहे हैं, और नहीं हम खेतों से कोई पशुओं के लिए चारा ला सकते हैं, और इतना है कि हमने अपने पशु भी बेच दिए हैं, और बहुत ज़्यादा समस्या है। अनाज भी कई गांवों से कई किलोमीटर चक्कर काट के वहाँ से लाना पड़ता है, मतलब जो है, तो इतना है कि मतलब जो है कि हर तरह से परेशानी परेशानी पैदा हो रही है इस पुल से। तो इस पुल से कितने गाँव जुड़े हुए हैं?
इससे तो जी काफ़ी गांव जुड़े हुए हैं। दो चार गांवों के नाम बता सकते हैं? हाँ जी, दीघोट है, बामनी खेड़ा है, फुलवाड़ी है, बैरोला है, मतलब सारे जो गांवों का काम पड़ता ही रहता है जी, इससे नांगर है। और क्या समस्या है? समस्या यही है जी, मतलब जो है कि लोगों ने पशु पालने कम कर दिए हैं इसकी वजह से, क्योंकि चारा खेतों की जमीन उधरी है, क्योंकि इतनी कई गांवों की किलोमीटर चक्कर काट के कौन चारा ला सकता है वहाँ से। तो सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही कहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी मतलब जो चालू कराया जाए, मैं काम में ये पूरा है, थोड़ा बहुत अटका हुआ नहीं रेडी है, मतलब जो है कि अब थोड़ी ये है, सरकार ही उसकी देरी कर रही है उसको चालू करने के लिए। मतलब भैया, भाई मेरा नाम है पवन, मैं दीघोट को रहने वाला हूँ। तो क्या समस्या आपकी? भाई अब पुल की वजह से इतनी समस्या है, हमें बाइक वहाँ खड़ी करके आनी पड़े, बस यहाँ से पकड़नी पड़े, और फिर बस निकल जावे पैदल पैदल आने के लिए। तो कितने सालों से पेंडिंग पड़ा है पुल? ये कम से कम 3 साल है गया, बनने में ही ना आ रहा हूँ। कोई आगे कोई शिकायत दी हो आपने? शिकायत है इसकी, आगे भी कोई सुनवाई ना करे। हमें तो ऐसा लगे भाई जैसे 2024 में वोट मांगने के लिए तैयार कर रखे हो। तो सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से यही अपील है, आप बनवा में बहुत पब्लिक 12-13 गांव में परेशान है। आपका? मेरा नाम है नरदेव शर्मा। तो क्या समस्या बाबा आपकी? समस्या ये पुल 4-5 साल से अटका पड़ा है, हमें पूरी परेशानी है, हमारा खेत सब इधर ही है और शमशान घाट भी इधर ही है, तो हमें बहुत पूरी समस्या है हर तरह से, इसलिए या कि रिक्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा। पहले तो तारों का बहाना था, अब वो तार लाइन भी चेंज होगी, खेतों में से निकलगी, फिर भी काम बिल्कुल यूँ के त्यों ही पड़ा है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा। तो सरकार प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? यही अपील करना चाहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करवाया जाए, हमें सुविधा मिल जाए, हमें डबल तो किराया देना पड़ता है, फसलें लाते हैं तो दूसरी साइड कर जाते हैं, दोगुना किराया वसूलते हैं हमसे। तो आगे आपने कोई शिकायत दी हो? आगे कई बार शिकायत दी है जी, पर अभी कोई सुनाई नहीं है। मैं जी आपका? मेरा नाम रोहतास शर्मा, बामनी खेड़े का निवासी हूँ, केबल टीवी नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ, और गांव में कम से कम 400-500 लोगों को मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि जो कि ये हसनपुर जाने वाला जो पुल है, रेलवे ओवर ब्रिज है, इससे 3-4 साल से लटका पड़ा है, हमारा सारा काम कृषि का उधर है, भक्ति स्थल हमारा वहाँ पर है, दही देवता हमारे वहाँ पर है, शमशान घाट हमारा वहाँ पर है, अगर किसी ड्राइवर को दाबी देना पड़ता है तो दीघोट कर जाना पड़ता है हमको बाहर, और ट्रैक्टर वाले को 400 रुपये किराया देना पड़ता है, जबकि प्रशासन बिल्कुल अर्धम होकर बैठा हुआ है। कई बार टीवी चैनल सहयोग से, पत्रकार बंधुओं के साथ से हमने प्रयास भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है इसके लिए। आगे कोई शिकायत दी हो आपने? शिकायत कई बार शिकायत हम मीडिया के जरिए से, क्योंकि जाट जमींदार गांव है, 50-60 गांव जुड़ते हैं, सब बाइक रुकी हैं, दीघोट का सारा रोड टूटा पड़ा है, सेलोटी कर जाते हैं, आज वो लाट लूटपाट होती है, कई मर्डर भी हो चुके हैं, अभी एक नागरिक लड़के का मर्डर हुआ। तो सरकार प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा आपका गेहूँ इससे आ जाए और 6 महीना में पुल तैयार हो जाए, जब तो प्रशासन कहता था कि भाई इसमें तार नहीं हट रहे बिजली के, बिजली बजट हटवा, अब बिजली के तार वो हटे 6 महीने हो गए हैं वहाँ से, फिर भी कोई कार्यस्थल नहीं है। अब किसी से कहते हैं तो वो कहते हैं ठेकेदार टेंडर छोड़ के चला गया, कोविड-19 चल रहा, इससे पब्लिक की समस्या सॉल्व नहीं हो रही जी। राजेंद्र, क्या समस्या है जी आपकी? समस्या बहुत भारी है जी, बहुत भारी समस्या है, इस पुल की वजह से इतनी समस्या आ रही है कि हमारे गांव में मौत हो जाती है, उस मौत के लिए भी परेशान होते हैं, तो दीघोट से ऊपर लाने पड़ते हैं, ठीक है जी, सूखे रास्ता बने हुए हैं, डेड बॉडी ले जाने में बड़ी दिक्कत आती है जी, बहुत जनता परेशान है, हमारे 20-25 गांव लगे हुए हैं, सारे गांव परेशान है। और क्या समस्या है? और बहुत भारी समस्या है जी कि जो है इसको पुल को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। कितने साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है इसका? 3 साल हो गए जी, 3रा साल चल रहा है जी। आपने कोई आगे शिकायत दी हो? पहले भी हमने मीडिया से कहा था जी, और फिर कोई सुनवाई नहीं हो पाई, अब जो है ये काम करते ही बंद पड़ा है। आगे क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई यही है, रोड जाम करेंगे हम, कोई धरना प्रदर्शन करेंगे पूरा, ये 5-7-10-20 गांव है जो सब इकट्ठे होकर गए, रोड जाम करेंगे हम जी। तो सरकार प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही है जल्दी से जल्दी काम किया जाए, और जनता जो बहुत परेशान हो रही है जी। और क्या समस्या है जी? और समस्या ये है जी, हमारा जो ब्राह्मणों का गांव है, भोला वाला गांव है, ठीक है जी, रसूलपुर वाला पुल चालू हो गया, ठीक है जी, हमारा पुल क्यों चालू क्यों नहीं किया जा रहा है?
हमारे बहुत सीधे साधे लोग हैं, गांव इतना जनता परेशान है, बहुत जनता परेशान है। नहीं आगे भी बात की है, कहते हैं कि ठेकेदार भग गया, तो ठेकेदार चीजों पता होना नहीं, ठेकेदार बैग गो है, जन दूसरों टेंडर है, क्या लीला भगवान जाने, इनको समझ में ना रहो, इन हारे में लटवा दो। पूरन लाल एक सरपंच बाम नहीं खेड़ा। तो क्या समस्या है जी पुल की? पुल की समस्या ये है, जनता परेशान है बहुत देर, इसको इसकी डेट भी कब की टाइम पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं चल रहा है, इलाका पूरा परेशान है, बहुत दुखी है जनता यहाँ, इसकी वजह से बहुत परेशानी पैदा हो रही है। कितने सालों से काम बाधित पड़ा है? इस पर एक साल से तो काम बंद पड़ा है, काम ही नहीं चल रहा है एक साल से। तो कितने गाँव जुड़ते हैं इस पुल से? 40-50 गाँव जुड़ते हैं इस पर। तो सरकार प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, या तो हमारा ये काम जल्द से जल्द शुरू करवा, नहीं तो फिर हम आगे के लिए कोई धरना प्रदर्शन वगैरह शुरू करेंगे। और कुछ कहना चाहोगे? ना, और इसके बारे में यही कहनी है भाई, ये हमारा काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, नहीं तो फिर हम सर डीसी साहब से मिलेंगे आगे जो है, और यहाँ धरना प्रदर्शन सारी बात है, अपनी कार्रवाई आगे करेंगे, ये इंतजार कर रहे हैं बस हम। आगे आपने कोई शिकायत दी हो? हमने कई बार वहाँ मिले हैं इनसे, एक्शन से मिले हैं, फरीदाबाद जिसके अंदर एक काम चल रहा है, क्या बोलते से भी मिले हैं। क्या बोलते हैं वो? वो कहते हैं कि जी ठेकेदार भाग गया, ठेकेदार भाग गया, वो ठेकेदार भागने की वो कह रहे हैं, हमें ठेकेदार से क्या लेना, हमें सरकार से मतलब है, सरकार दूसरा ठेकेदार करा कुछ भी करा, हमें क्या लेना इससे, हमें तो काम होना चाहिए, हमें अपने पुल का चालू होने से मतलब है।